नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। चलो तो आपके सारे पोल्यूशन हो गए पूरे, बच रहे क्या कोई सा? नहीं बच रहा ना। चलो इतनी सारी चीजें होने के बाद आप एक कोई परियोजना बनाते हैं, है ना? परियोजना का मतलब कि मुझे क्या बनाना है, मेट्रो रेल बनानी है किसी शहर में, ठीक है? तो उस मेट्रो रेल से आप बहुत सारे पर्यावरणीय प्रदूषण के जो नियम है, कानून है, और पोल्यूशन भी बढ़ाएंगे और कानूनों को तोड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, कोई भी एक परियोजना बनेगी उससे पर्यावरण को नुकसान होगा, ये तो मान के चलो आप, होगा या नहीं होगा? सबसे अच्छी योजना मान ले सड़क बनाना। आप सोचते हो सर सड़क बनाने से क्या नुकसान होगा पर्यावरण को? सड़क बनाओगे तो जिस क्षेत्र से जो सड़क गुजर रही है वहां पे रेंगने वाले जीव, छोटे जीव, वो तो मर ही जाएंगे या नहीं मरेंगे? मर जाएंगे ना। जैसे अभी पूजा जाके आई है, और कोई भी घूम के आया क्या? नहीं घूम के आए। तो पूजा जैसे गुजरात जाके आई थी, तो वहां जब ना त्र्यंबकेश्वर से वापस सूरत आते हैं, तो बीच में थोड़ा सा एरिया ऐसा आता है जिसमें मेंढक ही मेंढक बिछे रहते हैं रोड पे। तो कहाँ पे आए थे? फिर वापस नहीं आए नासिक से सूरत? बलसाड़ से गए होंगे, तो वहां पे उस सापुतारा तो गए ही थे, है ना? तो सापुतारा और त्र्यंबकेश्वर के बीच में एक रोड ऐसी आती है जहां पे मेंढक ही मेंढक बीच रहते हैं मोस्टली। वो क्यों रहता है? क्योंकि वो जल क्षेत्र है, जल से भरा हुआ क्षेत्र है, और वो मेंढक कहाँ पे आएंगे? रोड पे। तो गाड़ी चलाने वाला ऐसे ध्यान थोड़ी देगा कि यहाँ मुझे नहीं मारना, या ब्रेक अगर वो ब्रेक लगा के चलेगा तो फिर वो रास्ता पार नहीं होगा। तो रोड ऐसा साधन है जिससे बायोडायवर्सिटी को नुकसान हुआ, पर्यावरण को, शाप वगैरह ये नष्ट हो जाते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, पेड़ काटोगे आप, वायु वाहन जाएगा तो उससे वायु प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, उससे अलावा और क्या क्या चीजें होंगी, डामर बिछेगी, कंक्रीट आएगा, भूमि प्रदूषण होगा। तो जो रोड आपको दिख रही है कि इससे तो क्या ही पोल्यूशन होगा, उससे भी इतने नुकसान मैंने बता दिए। तो जो चीजें हैं जिनसे नुकसान सच में होना है, उनसे तो कितने ज्यादा नुकसान होते होंगे। तो पर परियोजनाएं भी जरूरी है, सड़क बनाना भी जरूरी है, मेट्रो रेल बिछाना भी जरूरी है, क्योंकि विकास जरूरी है, हम स्थिर नहीं रह सकते। तो इसलिए कोई भी योजना होती है, उस योजना के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट बनानी होती है। ये कौन बनाएगा? जिस कंपनी को वो ठेका चाहिए उस योजना का, वो कंपनी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट बनाकर देती है सरकार को, है ना, पर्यावरण मंत्रालय को, कि ये तो देखो योजना है और इस योजना में इतना नुकसान हो जाएगा पर्यावरण का, लेकिन मैं ऐसे ऐसे कदम उठाऊंगा, उस रिपोर्ट में ही लिखे रहेंगे कि मैं ऐसे ऐसे कदम उठाऊंगा जिससे इस पर्यावरण को होने वाली इस योजना से क्षति को कम से कम किया जा सके। साथ ही में हम ऐसे उपाय भी अपना सकते हैं जिससे इस जो पर्यावरण की क्षति हो रहा है उसको हम किसी दूसरे स्थान पर पूरा कर सकते हैं। जैसे आपने एक बड़े क्षेत्र में क्या बनाना है, स्टेडियम बनाना है, तो स्टेडियम बनाओगे तो उस क्षेत्र में जितने भी पेड़ लगे हुए हैं वो तो हटेंगे वहां से, है ना? तो EIA रिपोर्ट में क्या बोलता है कि यहाँ पे 50 पेड़ हैं वो हटेंगे, लेकिन हमारी कंपनी इस गांव में इस स्थान पर 5,000 पेड़ लगाएगी जिससे इन 50 पेड़ों से होने वाला नुकसान है वो वहां पे भरपाई हो जाएगी। हालांकि 5,000 में कितने सर्वाइव कर पाते हैं वो एक अलग बात। तो समझे, तो EIA रिपोर्ट का मेन चीज क्या है, मेन क्रश क्या है? रिपोर्ट बनाना, अपन अपनी रिपोर्ट बना लेंगे, लेकिन रिपोर्ट बनती क्यों है, समझे? क्यों बनती है? किसी भी परियोजना में होने वाली जो नुकसान है उन पर्यावरणीय नुकसानों को दर्शाना कि कितना नुकसान हो सकता है, साथ ही साथ
उस नुकसान को कम करना और उनकी भरपाई करना इस रिपोर्ट में शामिल होता है। ये रिपोर्ट बनाएगा कौन? जो कंपनी जिसे इस परियोजना का ठेका चाहिए, जिसे इस परियोजना को चलाना है। ठीक है, अब सीधी सिंपल भाषा में बताया जाए तो ये आपका एक तरह से वो कॉलेज वाला प्रैक्टिकल वर्क ही है जो आप करते हैं, कॉपी पेस्ट होती है चीजें, है ना। जैसे नाम तो नहीं लेंगे, एक बड़ी कंपनी है, उसको चाहिए था दिल्ली मेट्रो का टेंडर और उसके पास मुंबई मेट्रो का टेंडर पहले से था, है ना। तो मुंबई की ईआई रिपोर्ट बनाई, ईआईए रिपोर्ट बनाई उसने, तो उस ईआईए रिपोर्ट में उसने क्या करा, रिप्लेस वर्ड मुंबई से दिल्ली, मुंबई शब्द को हटाकर क्या कर दिया, दिल्ली। 2 मिनट में रिपोर्ट तैयार, कंप्यूटर में आता है रिप्लेस वाला ऑप्शन, है ना। तो सेलेक्ट करो, रिप्लेस करो, तो जहां जहां पे मुंबई था वहां वहां क्या हो जाएगा, दिल्ली। अरे वो तो सही है, उसमें फिर उसने एक भी चेंज नहीं करा, रिपोर्ट भेज दी। अब ऐसे बताओ, मुंबई में जो लोकल स्टेशन है वो दिल्ली में थोड़ी है, स्टेशन के नाम भी मुंबई वाले, कितने पैसेंजर यात्रा करेंगे वही सारा मुंबई वाला ही। एक रिपोर्ट में इसके अलावा और कुछ ही उसने चेंज, और सामान्यतः होता भी यही है अगर आपके बड़े स्तर पर डील है पहले से, है ना। तो योजना कौन लेगा, बड़े आदमी लेंगे, है ना। तो पहले से ही आपकी डील है तो आपको कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये चीजें हैं, पर इनको अपने को पढ़ना है। कॉलेज लेक्चर में ये टॉपिक है, स्पष्ट लिखा हुआ है ये टॉपिक तो कॉलेज लेक्चर में, है ना। उसके अलावा नेट में भी इससे आने के बहुत ज्यादा चांस है ना। अब और ईआईए रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला लेते हैं सरकार की, इसे लागू करना है या नहीं करना है, मंजूरी देनी है या नहीं देनी। दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करें, इससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा। आप अपनी जर्नी को पाथफाइंडर रिफाइंड लर्निंग सेंटर के माध्यम से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप नेट, जेआरएफ, सेट, पीजीटी, डीएसएसबी, कॉलेज लेक्चर, स्कूल व्याख्याता और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी है वो प्रारंभ कर सकते हैं और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों आप अगर पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के माध्यम से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, साथ ही साथ आपको डेली 4 घंटे से ज्यादा की जो क्लासेस है वो भी अवेलेबल रहती है, और फ्री नोट्स आपको, प्रिंटेड नोट्स है वो ज्योग्राफी के मिलते हैं, जो बुकलेट्स के माध्यम से हम यहाँ से आपको कोरियर है वो करवाते हैं। उसके अलावा आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट कोर्स में अवेलेबल रहेगी, टेस्ट सीरीज अलग से भी अवेलेबल है, आप वहाँ ले सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आपका सपना है नेट जेआरएफ करना, तो दिसंबर 2023 से बैच के लिए बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, रिसर्चर बैच, जिनका सपना है नेट जेआरएफ करना। और इस रिसर्चर बैच में आपको पेपर 1 और पेपर 2 यानी ज्योग्राफी की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो अवेलेबल रहती है। साथ ही साथ इसमें आपको डेली 4 घंटे से ज्यादा की क्लासेस रहेंगी, नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, नेट जेआरएफ के नोट्स हैं, कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पेपर 1 के नोट्स हैं वो पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे, साथ ही पेपर 2 ज्योग्राफी के 17 बुकलेट है वो हम यहाँ से आपको कोरियर करवाएंगे दोस्तों। इसकी जो प्राइस है टोटल वो कितनी है, 5,990 रुपये प्राइस है दोस्तों। 1 ईयर का इसमें सब्सक्रिप्शन रहने वाला है, टेस्ट सीरीज हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए, सभी इसमें आपको अवेलेबल रहेंगे। साथ ही विद्यास्थली बैच उन दोस्तों के लिए है जो जिनका सपना है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और साथ ही साथ स्कूल व्याख्याता, पीजीटी, डीएसएसबी, तो वो दोस्त है वो विद्यास्थली बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, ज्योग्राफी के कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे। और इससे जो प्राइस है वो कितनी रहने वाली है दोस्तों, 4,500 रुपये मिनिमम प्राइस इसमें रहने वाली है। इसके अलावा सारथी बैच है वो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए प्रारंभ किया गया है, जिसकी प्राइस है 3,000 रुपये, और इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ज्योग्राफी के कंप्लीट नोट्स है वो आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आप का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर किया जाएगा। और ये नोट्स दोस्तों आपको कोरियर किए जाएंगे, फिर से बता दूं जो ज्योग्राफी के नोट्स हैं वो सभी नोट्स आपको होम डिलीवर किए जाएंगे प्रिंटेड फॉर्म में हमारे द्वारा, और उससे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है दोस्तों। साथ ही आचार्य बैच है,
वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रारंभ किया गया है। इसमें भी डेली 4 घंटे की लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको नोट्स और कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। दोस्तों दोस्तों पाथफाइंडर का यही सपना है कि आपको मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम रिजल्ट आपको दिया जाए। हमारे द्वारा आप जैसा जानते हैं क्लासेस भी दी जाती है, नोट्स और टेस्ट सीरीज हो, सभी कुछ एक मिनिमम प्राइस पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो दोस्तों आज ही पाथफाइंडर लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। तो ऑनलाइन क्लास के लिए पाथफाइंडर लर्निंग ऐप है, और उसके अलावा ऑफलाइन क्लास जो दोस्त ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पाथफाइंडर रिफाइन लर्निंग सेंटर पर आकर हमसे मिल सकते हैं। साथ ही साथ मेरे नंबर 7333998354 से मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आप, और अगर हमारा सेंटर कहाँ पर है तो आप गूगल मैप पर पाथफाइंडर रिफाइन लर्निंग सेंटर आप डालते हैं तो हमारी लोकेशन है वो आ जाती है, आप वहां पर आकर ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों धन्यवाद, क्लास है वो कंटिन्यू करते हैं। समझ में आ गया, यही यही ये रिपोर्ट, इससे क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन होता है, हमारे भी हो गया B1 और B2 में, है ना। बाकी इससे क्वेश्चन आएंगे इजी इजी आएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा वो क्या बनेगा, EIA रिपोर्ट क्यों की तैयार की जाती है। सबसे इजी क्वेश्चन, क्यों तैयार की जाती है, पर्यावरण के मूल्यांकन, और नाम बोल दिए, क्या समझो फिर। ये रिपोर्ट इसलिए तैयार की जाती है कि पर्यावरण, किसी भी परियोजना से पर्यावरण में होने वाले नुकसान के बारे में अंदाजा लगाया जा सके, उन नुकसान को कम से कम करने के लिए कदम उठाए जा सके। तो इसलिए EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है। EIA रिपोर्ट कौन से सूचकांक के आधार पर तैयार की जाती है, प्रदूषण सूचकांक। प्रदूषण सूचकांक में का रेंज कितनी है, 0 से 100, और उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, ठीक है, रेड, ऑरेंज, ब्लू और वो वाइट, है ना। तो इस तरह के, और वाइट वाले के लिए EIA रिपोर्ट बनाना जरूरी नहीं है। रेड में कौन कौन से, ऑरेंज में कौन कौन से इंडस्ट्री, याद कर लोगे, जैसे आ जाए ई की स्टील प्लांट कौन सी इंडस्ट्री में, लाल में, है ना। तो ऐसे आप ध्यान रख लेना, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में EIA रिपोर्ट को मंजूरी कौन देता है, पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, सलाहकार समिति उस पर निर्णय लेती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय सलाहकार समिति की रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्यकारी है या नहीं है, नहीं है, वो उस पर निर्णय के विपरीत भी दे सकता है समिति। अगर आपको केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के निर्णय के विरोध में कहीं पे अपील करनी है तो कहाँ पे करोगे, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वहां पे जाओगे, NGT। फिर चलो ये आ गया। अब फिर नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन क्या आते हैं कि EIA रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, ए टाइप वाली और बी टाइप। ए टाइप वाली रिपोर्ट कौन मंजूर करता है, केंद्र सरकार, और बी टाइप वाली कौन करता है, राज्य सरकार। बी टाइप वाली रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, और B1 और B2। B2 के लिए क्या जरूरी नहीं है, मंजूरी जरूरी नहीं है, रिपोर्ट तो बनानी पड़ेगी, और B1 के लिए मंजूरी जरूरी है। अगर किसी भी EIA रिपोर्ट को हम बनाते हैं तो उसे 4 चरणों से गुजरना होता है। पहला चरण क्या है, स्क्रीनिंग, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि वो B1 टाइप है या B2 टाइप है, ठीक है। फिर दूसरा चरण क्या है, स्कोपिंग, यानी उससे तकनीकी जो पक्ष है उस रिपोर्ट में, उन सब पर एक एक पे डिटेल से काम किया जाता है, उनको अच्छे से देखा जाता है, अन्य जो संबंधित बोर्ड है उनसे क्या किया जाता है, राय मशवरा लिया जाता है। अगर तकनीकी पक्ष में खराबियां हैं तो रिपोर्ट को वापस भेज दिया जाता है। तीसरा चरण क्या है, पब्लिक की राय जानना, आम जनता से क्या ली जाती है, राय ली जाती है। और चौथा चरण क्या है, सलाह देना, समिति अपनी क्या है, सलाह मंत्रालय को भेज
तो इस तरह से है। सलाह में सरकार मान भी सकती है रिपोर्ट को समिति, रिपोर्ट को समिति नकार भी सकती है, और रिपोर्ट पर कुछ शर्तें भी लगा सकती है कि ये काम अगर आप कर लो तो आपका काम सही हो जाएगा। वैसे ही है जैसे टीचर क्लास टीचर आपकी क्लास कॉपी को वेरी गुड भी बोल दे, काम को दोबारा करने के लिए बोल दे और सुधार करने के लिए भी बता दे, तो सुधार में शर्तें लगा देगा ना, ये काम कर लाना कल इतनी शर्तों के साथ। तो बस इतना सा ही है, अब आ गया समझ में। चलो, और इससे तो क्वेश्चन आएगा ये ध्यान रख लेना, और आपका जो कॉलेज लेक्चर में तो आता ही आता है इससे क्वेश्चन, इतनी सी छोटी सी रिपोर्ट है। ईआईए रिपोर्ट के फायदे क्या है?